स्टूडेंट्स, आज की क्लास आप सभी लोगों के लिए बहुत ही स्पेशल क्लास है, क्योंकि आज की क्लास में आप लोगों को हम क्लास 12 की मैथमेटिक्स के अंतर्गत रैखिक प्रोग्रामन की समस्या को हल करना बताएंगे। आप सभी को पता है कि प्रतिवर्ष इस चैप्टर से एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पुट ही किया जाता है, और वो प्रश्न अधिकतर 5 से 8 नंबर में ही आता है। तो आप लोगों को इस टाइप के प्रश्नों को सॉल्व करने का कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से पता होना चाहिए, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में यदि क्वेश्चन घुमा दिया गया और आप लोगों को तरीका नहीं पता है तो आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पूरी क्लास को ध्यान से देखें। मैं आप लोगों को पूरा तरीका बताऊंगा कि किन स्टेप्स को फॉलो करके आप इन प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हो। आप सभी को पता है कि मैं आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कुछ स्टेप्स बताता हूं, उन स्टेप्स की मदद से आप क्वेश्चन को तुरंत सॉल्व कर लेते हो। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए, और यदि वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। मैंने आपके सामने इस चैप्टर का पहला प्रश्न नोट किया है, और पहले प्रश्न को देखने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पर जो भी क्वेश्चन दिए जाएंगे, ठीक है, आसमिकाएँ दी जाएंगी, उनको सबसे पहले आपको समीकरण रूप में परिवर्तित करना है, ग्राफ खींचना है, और आपको कोणीय बिंदु ज्ञात करने हैं। ठीक है, अब कोणीय बिंदु जो होंगे उसमें से जिस बिंदु पर जेड का मान अधिकतम आएगा तो आपका जेड का अधिकतमीकरण आएगा। अगर किसी बिंदु पर जेड का मान न्यूनतम आ रहा है, सबसे कम आ रहा है, तो वह न्यूनतमीकरण हो जाएगा जेड का। ठीक है, और दो ही टाइप के प्रश्न होंगे, अधिकतमीकरण या न्यूनतमीकरण ही आपको फाइंड करना होगा, बस इतना ही। देखिए, मैंने आपके सामने पहला प्रश्न नोट किया है, बहुत ही छोटा, बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है, इससे आपको तरीका समझ में आएगा, फिर आपको आगे इसी प्रकार हार्ड प्रश्नों को हम बताते रहेंगे। देखिए, यहाँ पर सबसे छोटे क्वेश्चन को हम देखते हैं। सबसे पहले आपसे पूछा जा रहा है कि ग्राफी विधि से जेड इक्वल टू 3x + 4y का अधिकतमीकरण ज्ञात कीजिए। देखिए, यहाँ पर अधिकतमीकरण पूछा गया है, अवरोध निम्नवत है, आसमिकाएं आपको दी गई हैं x + y < 4, x > 0, y > 0। तो सबसे पहले स्टेप में आपको क्या करना है, सबसे पहले स्टेप में आपको जो भी आसमिकाएं दी गई हैं उनको समीकरण रूप में परिवर्तित करना है। और जब किसी आसमिका को समीकरण में परिवर्तित किया जाता है तो जहां पर ग्रेटर देन या लेस देन लगा होता है वहां पर हम बराबर का चिन्ह लगाते हैं। तो सबसे पहले देखिए, आपको यहाँ पर जो आसमिका दी गई है तो उसको समीकरण में परिवर्तित करेंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि माना समीकरण, क्या लिखेंगे, माना समीकरण, इस आसमिका को समीकरण में परिवर्तित करेंगे तो ये आपका हो जाएगा x + y > g > के स्थान पर हम बराबर लगा देंगे और ये इक्वल टू आपका 4 हो जाएगा। ये आपकी समीकरण बन जाएगी x = 0, और आपकी ये बन जाएगी y = 0। सबसे पहले स्टेप में आपको ये करना है, इतनी बात समझ में आ गई। फिर क्या करना है आपको, यहाँ पर क्या करना है आपको, प्रत्येक समीकरण के लिए एक टेबल बनानी है, वहाँ से आपको बिंदु ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे x + y = 4 के लिए, यहाँ पर हम टेबल बनाएंगे, ध्यान से देखिएगा, छोटी सी एक टेबल बनानी है आपको, यहाँ से आपको बिंदु फाइंड करने, यहाँ पर लिखोगे x, यहाँ पर लिखोगे y। ठीक है, इसी प्रकार आपको जितनी भी आसमिकाएं दी जाएंगी सभी आसमिकाओं के लिए आपको टेबल बनानी है। यहाँ तो इस क्वेश्चन में अभी आपको एक ही आसमिका दी गई है, अभी मैंने आपके सामने छोटा सा क्वेश्चन लिया है जिससे आपको तरीका समझ में आ जाए। एक्स वाई लिखा, अभी समीकरण में एक्स के स्थान पर हम 0 पुट करेंगे तो वाई के वैल्यू में कितनी मिलेगी, 4 मिलेगी, और वाई के स्थान पर 0 पुट करेंगे तो एक्स के वैल्यू में 4 मिलेगी। इस समीकरण के लिए हमने टेबल बना लिया, इन समीकरणों के लिए हमें टेबल बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब x = 0 होगा तो वो y अक्ष पर होगा, जब y = 0 होगा तो वो आपका x अक्ष पर होगा। अब क्या करेंगे, यहाँ से आप देख रहे हो आपको दो बिंदु मिले, एक आपका मिला 0, 4 और दूसरा मिला आपको 4, 0। इन बिंदुओं को हम क्या करेंगे, x अक्ष और y अक्ष पर प्रदर्शित करेंगे, यानी ग्राफ खींचेंगे। तो यहाँ पर देखिए, हम x अक्ष बनाएंगे, y अक्ष बनाएंगे, तो ये आपकी x अक्ष हो गई, ये y अक्ष हो गई, ये y अक्ष की ऋण दिशा हो गई, ये x अक्ष की ऋण दिशा हो गई। अब आपको देखना है जो बिंदु दिए गए हैं इसमें अधिकतम वैल्यू कितनी है, 4 है, तो आप आराम से बढ़िया खाना बना सकते हो, 1, 2, 3, 4। ठीक है, फिर ये आपको हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ऐसे है ना, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। अब देखिए, आप देख रहे हो कि पहले क्वेश्चन में आपको दो बिंदु मिले हैं 0, 4, तो 0, 4 कहाँ पर होगा, x अक्ष पर 0, y अक्ष पर 4, ये आपका हो जाएगा 0, 4, ये आपका पॉइंट हो गया। और दूसरा बिंदु मिला 4, 0,
यानी एक्स अक्ष पर 4 चलना है आपको और वाई अक्ष पर कुछ नहीं चलना है। यहाँ पर देखिए एक्स इक्वल टू जीरो, हमने कहा है एक्स इक्वल टू जीरो के लिए वाई अक्ष होती है, तो ये आपका हो जाएगा एक्स इक्वल टू जीरो, और वाई इक्वल टू जीरो के लिए आपकी एक्स अक्ष होती है यानी टू जीरो यहाँ पर आपका हो जाएगा। ठीक है, हमने ऐसे प्रदर्शित कर दिया। अब देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पर जो दो बिंदु आपको मिले इस समीकरण से, इन दोनों बिंदुओं को हम क्या करेंगे, पटरी से मिला देंगे। ठीक है, देखिए मेरे पास पटरी नहीं है लेकिन आपके पास पटरी है, इसको आप पटरी के सहायता से मिला दीजिए। ठीक है, आप इस रेखा को आगे भी बढ़ा सकते हो, इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, और इस रेखा के समीकरण को भी लिख दीजिए। समीकरण है x प्लस वाई इक्वल टू 4, तो यहाँ पर हम लिख देंगे x प्लस वाई इक्वल टू 4। ठीक है, इस रेखा का समीकरण मैंने लिख दिया, प्रदर्शित करना बहुत जरूरी है। अब हम देखेंगे कि इस रेखा के क्षेत्र में मूल बिंदु आ रहा है कि नहीं। स्टेप नंबर 3 में आपको ये करना है, स्टेप नंबर 2 में आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर टेबल बनानी है, स्टेप नंबर 3 में आपको क्या करना है, जो आप रेखा खींच रहे हो उस टेबल से जो बिंदु मिल रहे हैं आपको देखना है कि उस रेखा के क्षेत्र में मूल बिंदु आपका शामिल है कि नहीं शामिल है। तो ये कैसे चेक करेंगे, देखिए यहाँ पर लिखेंगे जो आपकी आसमिका थी एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4 के लिए क्षेत्र, क्या लिखेंगे, के लिए क्षेत्र। देखिए इस रेखा के द्वारा क्षेत्र आपका बाहर की ओर भी हो सकता है, अंदर की ओर हो सकता है, तो ये चीज तो पहले क्लियर करें कि अंदर की ओर होगा कि बाहर की ओर, तो वो हम तभी क्लियर कर सकते हैं अगर मूल बिंदु शामिल है तो अंदर की ओर होगा, अगर मूल बिंदु नहीं शामिल तो बाहर की ओर होगा। मूल बिंदु आप देख रहे हो कि यहां पर है ओ 0,0। ठीक है, अब देखिए ऐसा चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, जो आपको आसमिका दी गई है इसमें x के स्थान पर 0 पुट करेंगे, y के स्थान पर 0 पुट करेंगे, लेस देन इक्वल टू जो आपका लगा हुआ है ग्रेटर देन लेस देन उसको लगाएंगे और 4 लिखेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे क्या ये सत्य है, हाँ तो 0 से 4 बड़ा है, ये आपका सत्य है, क्या है भाई, सत्य है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अतः अगर ये सत्य है तो जो मूल बिंदु है वो इस रेखा के क्षेत्र में शामिल होगा, क्या होगा, अतः मूल बिंदु अगर असत्य होता तो नहीं शामिल होता, मूल बिंदु 0,0 क्षेत्र में शामिल है, क्षेत्र में शामिल है। अब शामिल है तो इसका मतलब इस रेखा के द्वारा जो क्षेत्र की दिशा होगी वो इधर की ओर होगी, अंदर की ओर, ऐसे। इतनी बात आप सभी को समझ में आई, अब देखिए इतना तो मैंने यहां पर कर लिया। इतना करने के बाद अब देखें x इक्वल टू 0 दिया है, y इक्वल टू 0 दिया गया है, यहां पर मैं देख रहा हूं कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दिया गया है, यानी x की वैल्यू ग्रेटर होगी, यानी यहां पर देख रहे हो x इक्वल टू 0 यानी x की वैल्यू ग्रेटर के लिए हम ऐसे तीर लगाएंगे, y ग्रेटर के लिए हम ऊपर क्यों लगाएंगे, हमने कहा है y इक्वल टू जब 0 होता है तो x अक्ष पर होता है, तो y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं, इसकी दिशा आपके ऊपर की ओर होगी। आप देख रहे हो इन तीनों समीकरणों के द्वारा जो कॉमन क्षेत्र घिर रहा है, ये इधर की तरफ, ये इधर की तरफ, ये इधर की तरफ, तो आप देख रहे हो आपको ये क्षेत्र कॉमन मिल रहा है इतना। ओके, ये जो इतना क्षेत्र है ये आपका कॉमन क्षेत्र है, उभयनिष्ठ क्षेत्र है जो घिर रहा है इन तीनों आसमिकाओं के द्वारा। अब जो ये क्षेत्र गिर रहा है इनके हम कोणीय बिंदु ज्ञात करेंगे, क्या ज्ञात करेंगे, कोणीय बिंदु। कोणीय बिंदु का मतलब जिन बिंदुओं से ये आकृति गिर रही है, आप देखिए एक बिंदु तो यहाँ पर आपको पहले से ही पता है, दूसरा बिंदु यहाँ पर आपको पहले से ही पता है, और तीसरा बिंदु यहाँ पर, यानी आपको इसमें सारे बिंदु पता है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर आप लिखोगे तब कोणीय बिंदु, कौन से बिंदु भाई, कोणीय बिंदु यानी कॉर्नर पॉइंट, एक आपका हो गया 0,0, दूसरा आपका हो गया 0,4 और तीसरा आपका हो गया 4,0। इन बिंदुओं पर हम जेड का मान फाइंड करेंगे और देखेंगे कि किस बिंदु पर जेड का मान अधिकतम होता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे, अगली सारणी हम बनाएंगे, लिखेंगे अधिकतमीकरण के लिए सारणी। तो हम सारणी कैसे बनाएंगे, यहाँ पर देखिए ऐसे हम दो कॉलम खींचेंगे, एक ये, इसमें आपका हो जाएगा, इसमें आपका क्या हो जाएगा, कोणीय बिंदु। ठीक, और यहां पर आपका हो जाएगा जेड इक्वल टू, समीकरण आपको दी गई थी 3x प्लस 4y, इसका हम क्या निकालेंगे, अधिकतमीकरण का अधिकतमीकरण।
ठीक है। यहाँ पर आप ऐसे टेबल बना लीजिए, अब देखिए आपको तीन बिंदु मिले हैं, तो आप यहाँ पर तीन जो है ऐसे कॉलम बनाइए, तो ये आपका हो जाएगा 0, 0, 0, 0। जब इस समीकरण में हम पुट करेंगे यानी इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0, तो आपको z इक्वल टू कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। जब हम 0, 4 इस समीकरण में पुट करेंगे तो z की वैल्यू कितनी मिलेगी, देखिए x के स्थान पर 0, y के स्थान पर 4, 4 जाए कितना हो जाएगा 16। फिर हम 4, 0 पुट करेंगे, x के स्थान पर 4, 4, 3 जाए 12 हो जाएगा और y के स्थान पर 0, तो ये आपको मिल जाएगा 12। हम देख रहे हैं कि z का जो अधिकतम मान है वो आपका 16 है, वो किस पॉइंट पर है, 0, 4 पर है। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः, ठीक है, 0, 4 बिंदु पर जेड इक्वल टू 3x + 4y का मान क्या है, अधिकतम है, क्या है, अधिकतम है। और यही आपके इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप लोगों को इस क्वेश्चन की सहायता से तरीका अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि कैसे आपको रैखिक प्रोग्रामिंग की समस्या को सॉल्व करना है। अगर पूरी बात समझ में नहीं आई है तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, मैं आप लोगों को अभी आगे के प्रश्न सॉल्व कराऊंगा। ये तो सबसे छोटा सा एकदम ट्रेलर था, ठीक है, छोटा सा प्यारा सा मैंने नन्हा सा क्वेश्चन लिया था जिससे आप लोगों को तरीका समझ में आए। आप देख सकते हो मैंने क्या किया, सबसे पहले जो असमीकरणें दी गई थी उनको मैंने समीकरण रूप में परिवर्तित किया। समीकरण रूप में परिवर्तित करने के पश्चात प्रत्येक असमीकरण के लिए आपको एक टेबल तैयार करनी है। देखिए यहाँ पर x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, इस समीकरण के लिए आपको टेबल बनाने की कोई जरूरत नहीं। बाकी जितनी भी असमीकरण होंगी उनको समीकरण रूप में परिवर्तित करने के बाद आपको टेबल बनानी है। टेबल से आपको बिंदु ज्ञात करने हैं, बिंदु पता हो जाएंगे, फिर उन बिंदुओं को आपको x अक्ष और y अक्ष पर प्रदर्शित करना है, और उसके बाद वहाँ से जो रेखाएँ होंगी, ठीक है, उन रेखाओं से आपको ये पता लगाना है कि क्षेत्र जो घिर रहा है उसमें मूल बिंदु आ रहा है या नहीं आ रहा है, मूल बिंदु शामिल है या नहीं शामिल। अगर शामिल है तो क्षेत्र इधर की ओर होगा, अगर शामिल नहीं तो क्षेत्र बाहर की ओर होगा। क्लियर इतनी बात। उसके बाद आपको करना क्या है, उसके बाद आपको यहाँ पर देखना है कि इन रेखाओं के द्वारा जो उभयनिष्ठ क्षेत्र है वो कौन सा घिर रहा है। ठीक है, इतना करने के बाद तो जो क्षेत्र आपका घिर रहा है उस क्षेत्र के कोणीय बिंदु क्या हैं, यानी जो आपकी एरिया बन रही है, एरिया आपकी घिर रही है उसका जो कोणीय बिंदु हैं, मतलब किन बिंदुओं के द्वारा वो घिर रही है, उन बिंदुओं को हम फाइंड करेंगे और उन बिंदुओं पर हम जेड इक्वल टू जो भी आपको समीकरण दिया गया उसका मान ज्ञात करेंगे। अब जिस बिंदु के लिए जेड का मान अधिकतम होगा वही अधिकतमीकरण हो जाएगा। अगर इस क्वेश्चन में पूछा था न्यूनतमीकरण, तो जिस बिंदु के लिए जेड का मान न्यूनतम हो जाता वही आपका क्या हो जाता, उस बिंदु के लिए न्यूनतमीकरण हो जाता। तो आई होप आप सभी लोगों को बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो दूसरा प्रश्न मैंने आपके सामने इस चैप्टर का नोट किया है। इस प्रश्न में आपसे बोला जा रहा है कि निम्न अवरोधों के अंतर्गत जेड इक्वल टू 3x + 2y का अधिकतमीकरण ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, अधिकतमीकरण ज्ञात करना है, और आपको असमीकरणें दी गई हैं यानी अवरोध दिए गए हैं x + 2y < 10, 3x + y < 15, x, y > 0। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप तो हमारा ये है कि जो आपको असमीकरणें दी गई हैं उनको समीकरण रूप में परिवर्तित करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि माना x + 2y, यहाँ पर लेस देन इक्वल टू लगा तो यहाँ पर हम बराबर लगाएंगे और लिखेंगे 10। ठीक है, और दूसरी समीकरण हमारी हो जाएगी 3x + y = 15। तीसरी समीकरण हो जाएगी x = 0, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो कि x > 0 है और y > 0 है, तो चौथी समीकरण हो जाएगी y = 0। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप में तो यही करना है कि जो आपको असमीकरण दी गई उनको समीकरणों में परिवर्तित कर लेना है। सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है, सेकंड स्टेप में आपको इन समीकरणों के लिए टेबल तैयार करनी है। तो यहाँ पर लिखेंगे x + 2y = 10 के लिए टेबल यहाँ पर बनाएंगे, ठीक है, और उसके बाद लिखेंगे 3x + y = 15 के लिए। ठीक है, दोनों के लिए हम क्या करेंगे, टेबल तैयार करेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पर टेबल बना रहे हैं, ध्यान से देखिएगा।
यहाँ पर आपका हो जाएगा देखिए x, ये आपका हो जाएगा y। यहाँ पर देखिए जब x की वैल्यू इस समीकरण में हम जीरो पुट करेंगे तो 2y इक्वल टू 10, 2 से 10 को कैंसिल करेंगे 5 मिल जाएगा, यानी x इक्वल टू जीरो पुट करने पर y की वैल्यू हमें 5 मिल गई, और y की वैल्यू अगर हम जीरो पुट करेंगे तो x की वैल्यू में कितनी मिल जाएगी, 10 मिल जाएगी। क्लियर इतनी बात। उसके बाद इस समीकरण के लिए हम टेबल बनाएंगे, तो यहाँ पर देखिए हम टेबल बना रहे हैं इस समीकरण के लिए, छोटी सी टेबल आपको बनानी है, बहुत बड़ी नहीं बनानी है। यहाँ पर देखिए आपका हो जाएगा एक्स वाई, और यहाँ पर हम दो खाने बनाएंगे। आप देख सकते हो एक्स की वैल्यू जब हम जीरो पुट करेंगे तो 3 और 0 का मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा, तो वाई इक्वल टू हमें कितनी मिल जाएगी, 15 मिल जाएगी, और वाई की वैल्यू जब हम जीरो पुट करेंगे तो 3x इक्वल टू 15, यानी एक्स की वैल्यू हमें 5 मिल जाएगी। इस प्रकार इस समीकरण के द्वारा हमने दो बिंदु फाइंड किए, पहला बिंदु आपका होगा 0, 15, दूसरा बिंदु होगा 5, 0। और इस समीकरण से हमने दो बिंदु फाइंड किए, पहला बिंदु होगा 0, 5 और दूसरा बिंदु होगा 10, 0। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इनके लिए एक्स अक्ष और वाई अक्ष खींचेंगे और इन बिंदुओं को उन अक्षों पर हम प्रदर्शित करेंगे, यानी ग्राफ खींचेंगे। तो यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, ग्राफ खींचेंगे, तो एक्स अक्ष वाई अक्ष हमने खींच लिया। यहाँ पर थोड़ा सा फिगर हमारा छोटा रहेगा, कारण यह क्योंकि हमारे पास प्लेस कम है। तो यहाँ पर देखिए आपका ओरिजिन पॉइंट हो जाएगा 0, 0। ओके, यहाँ पर देखिए आपको पॉइंट देखकर ही यहाँ पर जो है खानों को ड्रा करना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपको पहला पॉइंट मिला 0, 5, दूसरा मिला 10, 0, यहाँ पर अधिकतम संख्या 10 है, यहाँ पर 0, 15 और 5, 0, यानी 15 अधिकतम संख्या है। तो हम क्या करेंगे, खाने 5, 5 दूरी पर अंतराल पर बनाएंगे, यानी 5, 5 के अंतराल पर खाने बनाएंगे हम। तो यहाँ पर लिखेंगे 5, 10, 15, 5, 10, 15, 5, 10, 15, 5, 10, 15, ये आपका हो जाएगा 5, 10, 15, 5, 10, 15, 5, 10, 15, यहाँ पर ये ऋणात्मक होगा आपका, -5, -10, -15। इतना आप सभी लोग कर सकते हो, इतना तो बहुत ही आसान है। अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ से हमें बिंदु मिला 0, 5, यहाँ से हमें बिंदु मिला 10, 0। ठीक है, तो इन दोनों बिंदुओं को हम ग्राफ पर देखेंगे। 5, 0, 5 अगर देखें तो 0, 5 ये आपका हो गया 0, 5, और दूसरा बिंदु आपका 10, 0, तो 10, 0 आपको ये मिल गया, ये आपका हो जाएगा 10, 0। इस बिंदु को हम क्या करेंगे, पटरी से मिला देंगे ऐसे। ठीक है, ये आपकी रेखा हो गई। ठीक है, अब यहाँ पर देखें तो इस समीकरण से हमें दो बिंदु मिले, एक मिला 0, 15 और दूसरा मिला 5, 0। इन दोनों बिंदुओं को हम x अक्ष और y अक्ष पर प्रदर्शित करेंगे, 0, 15 आपको यहाँ मिल जाएगा, ओके, और 5, 0 आपको यहाँ पर मिल जाएगा। हम क्या करेंगे, इन दोनों बिंदुओं को पटरी की सहायता से मिला देंगे ऐसे। अब एक बात का ख्याल रखिएगा, आपको करना क्या है, जो पहली रेखा आपने खींची है उसकी समीकरण है x प्लस 2y इक्वल टू 10, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा x प्लस 2y इक्वल टू 10, और जो दूसरी रेखा खींची है वो इस समीकरण से खींची है 3x प्लस y इक्वल टू 15, तो ये आपका हो जाएगा 3x प्लस y इक्वल टू 15। ये प्रदर्शित करना बहुत ज़रूरी है। ओके, आप क्या करेंगे अगले स्टेप में हम ये देखेंगे कि जो ये आपकी आसमिका दी गई इसके क्षेत्र में मूल बिंदु शामिल है या नहीं शामिल है, फिर यही चीज़ हम सेकेंड में देखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे कि आसमिका x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 10 के लिए क्षेत्र, क्या भाई, 10 के लिए क्षेत्र, जो आपकी पहली आसमिका दी गई है इसके लिए हम क्षेत्र फाइंड करेंगे कि इसके क्षेत्र में 0, 0 यानी जो मूल बिंदु है वो आपका लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, यानी अंतर्गत आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, अगर शामिल होगा तो आपका इस रेखा के द्वारा जो क्षेत्र होगा वो अंदर की तरफ होगा, नहीं शामिल होगा तो बाहर की तरफ होगा। तो पहली रेखा के लिए हम क्षेत्र फाइंड कर रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए एक्स के स्थान पर 0 पुट करेंगे, वाई के स्थान पर 0 पुट करेंगे, लेस देन इक्वल टू 10, तो यहाँ पर 0 <= 10 मिल रहा है। अब ये चीज़ सत्य है कि नहीं सत्य है, 10 तो आपका 0 से बड़ा होता है, ये चीज़ आपकी सत्य है, क्या है भाई, सत्य है। और सत्य है इसका मतलब ये है कि जो 0, 0 है, ठीक है, ये क्या होगा, इस रेखा के क्षेत्र में शामिल होगा, लिख देना रेखा के क्षेत्र में शामिल है, क्या है, शामिल है भाई। ओके, यानी इस रेखा के द्वारा जो क्षेत्र गिरेगा वो आपका इस डायरेक्शन में गिरेगा, ये बात तो क्लियर हो गई। फिर दूसरी आसमिका दी गई है, तथा दूसरी आसमिका दी गई 3x
प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 15। यहाँ पर हम क्या करेंगे, मूल बिंदु को जो है प्रतिस्थापित करेंगे, यानी x के स्थान पर 0, y के स्थान पर 0, तो देखेंगे कि ये समीकरण सत्य आ रही है कि नहीं आ रही है, बात सत्य से दोहरे कि नहीं। तो x के स्थान पर 0, ये 0 हो जाएगा, 0 लेस देन इक्वल टू 15, 0 लेस देन इक्वल टू 15, ये बात भी यहाँ पर क्या हो रही है, सत्य है। और सत्य होने का मतलब ये है कि जो ये दूसरी रेखा है इसके द्वारा जो क्षेत्र होगा वो भी आपका अंदर की तरफ होगा, क्योंकि ओरिजिन पॉइंट जो है वो आपका लाई कर रहा है। यहाँ पर सत्य है तो इसका मतलब ये है कि 0,0 रेखा के क्षेत्र में शामिल है। क्या है भाई, शामिल है। अब इस रेखा के क्षेत्र में भी 0,0 शामिल है, तो इसकी दिशा आपकी ऐसे होगी, इसका क्षेत्र इस तरफ होगा, और दोनों के द्वारा जो उभयनिष्ठ क्षेत्र होगा, आप देख सकते हो पूरा ऐसे खींचोगे फिर इसको ऐसे ऐसे खींचोगे, तो आप देखोगे कि उभयनिष्ठ क्षेत्र आपका इतना आएगा केवल, बाकी आपका बाहर निकल जाएगा। ये जो क्षेत्र है ये आपका उभयनिष्ठ क्षेत्र होगा इन दोनों रेखाओं के द्वारा। अब आप देख रहे हो कि एक पॉइंट तो आपको मिल रहा है यहाँ पर ओरिजिन पॉइंट 0,0, दूसरा बिंदु आपको मिल रहा है 0,5, तीसरा बिंदु आपको मिल रहा है 5,0, लेकिन दोनों रेखाओं का कटान बिंदु भी आपको एक मिल रहा है। इसको अगर ए नाम दे दें, इसको ओ, इसको बी नाम दे दें, तो इसको हम सी नाम दे सकते हैं, और इस सी के निर्देशांक हमें नहीं पता है, लेकिन आपको ये पता है कि इन दोनों रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु आपका ये होगा। तो इन दोनों रेखाओं को हल करेंगे और यहाँ से हमें x और y की वैल्यू मिल जाएगी, और x कमा y जो होगा वो इस c का क्या होगा, निर्देशांक होगा। देखिए कैसे, अब यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा कि इस रेखा और इस रेखा का प्रतिच्छेद बिंदु, तो यहाँ पर देखिए आपका हो जाएगा x प्लस 2y इक्वल टू 10। दूसरी क्वेश्चन दी गई है 3x प्लस y इक्वल टू 15। एक्स वाई की वैल्यू हम फाइंड करेंगे तो हमारे पास बहुत तरीके हैं, प्रतिस्थापन विधि है, विलोपन विधि है, किसी विधि से हम एक्स और वाई की वैल्यू यहाँ से फाइंड करेंगे, तो इसका हमें प्रतिच्छेद बिंदु मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हम गुणांक बराबर करेंगे तो ऊपर वाले समीकरण को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 3x हो जाएगा, ये 3×2=6 हो जाएगा, और ये आपका 3×10=30 हो जाएगा। दोनों समीकरणों को घटा देंगे एक दूसरे से, तो ये आपका 3x से 3x कैंसिल हो जाएगा, 6y से आपका y जाएगा, 5y बच जाएगा, और 30 से 15 जाएगा आपका, ये 15 मिल जाएगा, यानी आपको 5×3=15 होता है, y इक्वल टू मिल गया 3। y इक्वल टू अगर 3 मिल गया तो समीकरण पहले थी x प्लस 2y इक्वल टू 10, तो हम y के स्थान पर 3 पुट कर देंगे, तो प्लस का 2 में y के स्थान पर 3 पुट कर दिया, इक्वल टू आपका था 10, यहाँ पर 10 लिख दीजिए आप, ठीक है, इक्वल टू 10, तो x इक्वल टू 10, 2×3=6 उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, यानी x इक्वल टू आपको 4 मिल जाएगा। आप देख सकते हो कि यहाँ पर x कामा वाई की वैल्यू मिल गई 4,3, यानी इस बिंदु के जो निर्देशांक होंगे वो 4,3 होंगे, ठीक। इस तरीके से आपको इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लेना है, तो इंटरसेक्शन पॉइंट आपका निकल आया। अब आपको क्या करना है, आपको कोणी बिंदु मिल गए, इन कोणी बिंदुओं पर, चार कोणी बिंदु आपको मिले, इन कोणी बिंदुओं पर हमें क्या करना है, जेड का मान फाइंड करना है, और देखना है कि किस बिंदु पर जेड का मान अधिकतम आता है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, उसी तरीके से एक टेबल बनाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे कोणी बिंदु, क्या लिखेंगे भाई, कोणी बिंदु जेड इक्वल टू 3x प्लस 2y का अधिकतमीकरण, ये आप लिख सकते हो का मान अधिकतमीकरण, ठीक है, जेड इक्वल टू 3x प्लस वाई 2y का मान हम ज्ञात करेंगे इन कोणी बिंदुओं पर, देखेंगे कि किस पर अधिकतम आता है। कोणी बिंदु आपके कितने हो गए, पहला कोणी बिंदु हो जाएगा 0,0, दूसरा आपका कोणी बिंदु हो जाएगा ये a 0,5, और तीसरा आपका कितना हो जाएगा, तीसरा आपका हो जाएगा 3, दोनों रेखाओं का इंटरसेक्शन पॉइंट यानी प्रच्छेद बिंदु, और चौथा आपका हो जाएगा 5,0। तो कुल मिला के आपको मिल गए यहाँ पर 4 बिंदु, तो ये मैंने टेबल तैयार कर ली यहाँ पर, अब देख सकते हो जेड की वैल्यू फाइंड करेंगे हम। यहाँ पर एक्स के स्थान पर 0 पुट करेंगे, वाई के स्थान पर 0, तो जेड की वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी भाई, 0 मिल जाएगी। एक्स के स्थान पर 0 और वाई के स्थान पर 5, तो 2×5=10, यानी जेड की वैल्यू हमें 10 मिल जाएगी। एक्स के स्थान पर 4×3=12 और वाई के स्थान पर 3, देखिए 3×4=12 और 2×3=6, 6×12 आपका हो जाएगा 18, जेड इक्वल टू आपको 18 मिल जाएगा। 5 पुट करेंगे तो 3×5 आपका हो जाएगा 15, और यहां पर 0 पुट करेंगे क्योंकि 5,0 है, तो जेड इक्वल टू आपको मिल जाएगा 15। आप देख सकते हो कि अधिकतम वैल्यू आपको मिल रही है
इन दोनों रेखाओं के प्रच्छेद बिंदु पर। आप लिखोगे इस प्रकार, यह अतः अतः 4,3 पर जेड इक्वल टू 3x+2y का मान अधिकतम है। क्या भाई? अधिकतम है। और ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अवधों के अंतर्गत जेड इक्वल टू 5x+3y का अधिकतमीकरण कीजिए, और यहाँ पर आपको अवरोध दिया गया है 3x+5y <= 15, 5x+2y <= 10, x > 0, y > 0। आपको ये अवरोध दिए गए हैं। मैंने आप लोगों को बताया था स्टेप नंबर वन में हम क्या करते हैं, जो भी हमें असमीकरण दी जाती हैं उनको हम समीकरण रूप में परिवर्तित करते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इन असमीकरणों को हम समीकरण रूप में परिवर्तित करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि माना समीकरण, एक एक स्टेप को बहुत ध्यान से समझिएगा, हम पूरी बात आप लोगों को क्लियर कर देंगे, बस आप पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर हम मान लेंगे कि माना समीकरण, देखिए जो समीकरण दी गई उसको समीकरण बनाएंगे, तो ये आपका हो जाएगा 3x+5y, जहाँ पर ग्रेटर देन लेस देन लगा होगा वहाँ पर इक्वल टू का चिन्ह लगाएंगे, और ये आपका हो जाएगा 15। दूसरी असमीकरण को समीकरण बनाएंगे, ये आपका हो जाएगा 5x+2y = 10। तीसरी आपकी हो जाएगी x = 0, चौथी हो जाएगी y = 0। इतनी बात आप सभी को क्लियर है। इतना करने के बाद हम क्या करते हैं, जो आपकी समीकरण दी गई है इनके लिए क्या करते हैं, टेबल तैयार करते हैं सेकंड स्टेप में। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सबसे पहले कि समीकरण, समीकरण पहली कौन सी समीकरण है, 3x+5y = 15 के लिए, है ना, के लिए हम क्या करेंगे, टेबल तैयार करेंगे। तो टेबल यहाँ पर एक बना लेंगे हम, तीन कॉलम की, आप देख सकते हो ऐसे 1, 2, 3, तीन कॉलम होगा। यहाँ पर लिखेंगे x, y। आप देखिए x की वैल्यू समीकरण में 0 पुट करोगे तो y की वैल्यू आपको कितनी मिल जाएगी, देखिए 5 3 15 होता है, 3 मिल जाएगी। क्लियर इतनी बात। जब आप y = 0 पुट करोगे तो x की वैल्यू आपको कितनी मिल जाएगी, 3 5 15 होता है, 5 मिल जाएगी। यहाँ से आपको इस समीकरण के द्वारा दो बिंदु मिल गए। आपको यहाँ पर अभी x और y अक्ष पर प्रदर्शित भी करना है। फिर इसी प्रकार हम क्या करेंगे, जो समीकरण दूसरी दी गई है इसके हम क्या करेंगे, टेबल तैयार करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे तथा समीकरण दूसरी दी गई है 5x+2y = 10 के लिए, है ना, क्या करेंगे हम, टेबल तैयार करेंगे। तो यहाँ पर हम टेबल बना लेंगे भाई उसी तरीके से, तो ये आपकी टेबल तैयार हो गई। यहाँ पर x लिखेंगे, यहाँ पर y लिखेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस समीकरण में x के स्थान पर हम 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू हमें 5 मिल जाएगी, और y के स्थान पर 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू हमें 2 मिल जाएगी। यहाँ से भी हमें दो बिंदु प्राप्त हो गए। अब इन बिंदुओं को क्या करेंगे, यहाँ पर हम x अक्ष और y अक्ष पर प्रदर्शित करेंगे, ये हमारा काम है इसके बाद वाला। तो यहाँ पर हम देखेंगे सबसे हाईएस्ट वैल्यू कितनी है, आप देख सकते हो 5 है, तो यानी हमें यहाँ पर 5 जो है नंबर बनाने हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, पटरी के साथ से बराबर खाने आपको बनाने हैं, ऊपर भी 1, 2, 3, 4, 5। ओके, इतनी बात तो आप सभी को क्लियर है। ये आपका हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5। अब देखिए सबसे पहली समीकरण को हम देखेंगे, पहली समीकरण हमारी है 3x+5y = 15, इसमें से हमें दो बिंदु प्राप्त हुए। पहला बिंदु 0,3 जो कि आपका यहाँ पर है, x अक्ष पर कुछ नहीं चलेगा, और y अक्ष पर 3, यानी ये आपका हो जाएगा 0,3। और दूसरा बिंदु मिला 5,0, वो आपको यहाँ पर मिल रहा है 5,0। क्या करेंगे, पटरी की सहायता से इन दोनों बिंदुओं को हम मिला देंगे ऐसे, और इस रेखा का समीकरण भी लिखना है आपको, ठीक है। यह समीकरण आपकी है 3x+5y = 15, तो यहाँ पर लिखेंगे 3x+5y = 15। जो भी आप लाइन ड्रा कर रहे हो उसका समीकरण लिखना बहुत ही आवश्यक है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये स्टेप आपने फॉलो कर लिया। इस स्टेप को फॉलो करने के पश्चात अब इस रेखा के द्वारा जो क्षेत्र घिरेगा वो मैंने बताया था अंदर की ओर हो सकता है, बाहर की ओर हो सकता है। तो अंदर की ओर कब होगा, जब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस रेखा के लिए क्षेत्र फाइंड करेंगे और उसमें मूल बिंदु x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 0 प्रतिस्थापित करेंगे। अगर वो कंडीशन को सटिस्फाइड कराने सत्य हो रही है इस असमीकरण, तो ये मूल बिंदु क्या करेगा, इस रेखा के क्षेत्र में लय करेगा। और अगर हम क्या करते हैं, मूल बिंदु जो आपका होता है 0,0, यानी असमीकरण में x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 0 पुट करते हैं, और क्या होता है, यहाँ पर असमीकरण असत्य हो जाती है,
तो इसका मतलब मूल बिंदु आपका लाइफ के क्षेत्र में नहीं करेगा, यानी इसका क्षेत्र बाहर की ओर हो जाएगा। बस ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान देनी। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर जो असमिका दी गई है यहाँ पर लिखोगे, अब असमिका पहली असमिका आपको दी गई है 3x प्लस 5y और यहाँ पर लगा हुआ है लेस देन इक्वल टू 15। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पर मूल बिंदु क्या होता है, 0,0 यानी x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0 रखेंगे इस असमिका में। रखने पर आप देखोगे ये 0 ये 0 ये हो जाएगा 0 लेस देन इक्वल टू 15। क्या ये चीज़ आपके सत्य है, 15 जीरो से बड़ा है? हाँ बिल्कुल बड़ा है, यानी ये चीज़ आपकी क्या है, सत्य है। और जब ये चीज़ सत्य है तो इसका मतलब मूल बिंदु जो होगा उस रेखा के क्षेत्र में होगा, लाई करेगा, यानी इस रेखा का जो क्षेत्र होगा वो आपका अंदर की ओर होगा। इतनी बात क्लियर है भैया? अब आपको क्या करना है, देखिए अगले स्टेप में आप देखोगे जो आपकी दूसरी रेखा है, दूसरी रेखा से आपको दो बिंदु मिले 0,5, वो आपका यहाँ पर लिखेंगे 0,5 और दूसरा बिंदु है 2,0 तो यहाँ पर आपका है भाई 2,0। क्या करेंगे, पटरी की सहायता से इन बिंदुओं को हम मिला देंगे। ठीक है, मेरा थोड़ा सा लाइन टेढ़ी हो गई है क्योंकि मेरे पास पटरी नहीं है, यहाँ पर आपको सीधी लाइन यहाँ पर खींचनी है और इस रेखा के समीकरण को भी लिखना है। तो इस रेखा का समीकरण है आपका 5x प्लस का 2y इक्वल टू 10 भाई। ओके, अब आपको वही स्टेप पुराना अपनाना है कि इसका क्षेत्र अंदर की ओर होगा कि बाहर की ओर होगा। तो यहाँ पर भी लिखेंगे तथा यहाँ पर आप एक लाइन लिखोगे, ठीक है, कि जो इसका क्षेत्र होगा, ठीक है, इसके क्षेत्र में वो मूल बिंदु शामिल होगा। यहाँ पर लिखोगे अतः मूल बिंदु शामिल होगा, क्योंकि ये चीज़ आपकी सत्य है, मूल बिंदु क्षेत्र में शामिल होगा, शामिल होगा। अब असमिका जो दूसरी आपकी दी गई है वो कितनी दी गई है, 5x, यहाँ पर लिख लेना तथा असमिका 5x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 10 के लिए क्षेत्र हम देखेंगे अंदर की ओर है कि बाहर की ओर। तो क्या करते हैं हम, इसमें x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0 भी प्रतिस्थापित करेंगे, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0। रखने पर हम देखेंगे कि कंडीशन हमारी क्या बन रही है, यह आपको हो जाएगा 0 लेस देन इक्वल टू 10, 10 जीरो से बड़ा है, ये चीज़ भैया सत्य है। और सत्य होने का मतलब इस रेखा के द्वारा जो क्षेत्र होगा वो आपका अंदर की ओर होगा, इसका मतलब मूल बिंदु होगा इस रेखा के क्षेत्र में लाई करेगा। ठीक है, तो इस रेखा के द्वारा जो क्षेत्र की दिशा होगी वो आपकी अंदर की ओर होगी ऐसे। तीसरी आसम क्या है, x इक्वल टू 0, जब x इक्वल टू 0 होता है तो y अक्ष पर होता है, यानी ये आपका हो जाएगा x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 यानी ये आपका x अक्ष हो जाएगा y इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देखेंगे कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, यानी इसकी डायरेक्शन आपकी ऐसी हो जाएगी x इक्वल टू 0 की, है ना, और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है यानी y इक्वल टू 0 के लिए ये डायरेक्शन आपकी ये हो जाएगी। तो इन चारों समीकरणों के द्वारा जो उभयनिष्ठ क्षेत्र है वो कौन सा होगा, देखिए ध्यान से, जब आप पटरी की सहायता से ऐसे ऐसे खींचोगे और उसके बाद इस रेखा के लिए पटरी की सहायता से ऐसे ऐसे खींचोगे, फिर ऐसे ऐसे खींचोगे, ऐसे ऐसे खींचोगे, तो सारी रेखाएं कहां पर एक साथ कटेंगी, केवल इतने क्षेत्र में कटेंगी। ध्यान से देखना, इतने क्षेत्र में आप देख सकते हो, मैं यहाँ पर ड्रा कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, इतने क्षेत्र में ही सिर्फ आपका ये जो है सारी रेखाएं कटेंगी, बाकी अलग जो है सारी रेखाएं एक साथ नहीं कटेंगी, यानी इतना जो क्षेत्र है वो आपका उभयनिष्ठ क्षेत्र है। ठीक है, इन चारों असमिकाओं के द्वारा जो घिरा क्षेत्र है वो आपका उभयनिष्ठ क्षेत्र है। इतनी बात तो आप सभी को क्लियर हो गई होगी। अब आपको क्षेत्र पता चल गया कि उभयनिष्ठ क्षेत्र ये है, तो हम क्या करेंगे, इसके कोणी बिंदु फाइंड करेंगे। एक कोणी बिंदु आपका मूल बिंदु है 0,0, इसको फाइंड करने की कोई जरूरत नहीं। दूसरा बिंदु 0,3, तीसरा है 2,0 और चौथा जो है ये आपका इंटरसेक्शन पॉइंट है इन दोनों रेखाओं का। तो इसको फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, हम दोनों रेखाओं को हल करेंगे। क्लास टेंथ में हमने सीखा है दो समीकरणों को हल करना, दो चरराश वाले रैखिक समीकरणों में एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड कर लेते हो। तो यहाँ पर देखिए क्या करोगे, पहले समीकरण लिखोगे, यहाँ पर मैं सॉल्व करके बता रहा हूँ, बाकी आपको सॉल्व कर लेना है अपने आप। तो पहली समीकरण आपकी है 3x प्लस 5y इक्वल टू 15, दूसरी समीकरण आपकी 5x प्लस का 2y इक्वल टू 10। क्या करेंगे, पहले किसी एक वेरिएबल के गुणांक बराबर करते हैं, तो यहाँ पर 5, यहाँ पर 3 है, क्या कीजिए, ऊपर वाली समीकरण को आप जो है 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और नीचे वाली समीकरण को आप 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ऊपर वाली समीकरण को आप जब 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिल जाएगा 5×15x प्लस का 25y इक्वल टू 15×25 75, और नीचे वाली समीकरण को यानी दूसरी समीकरण को आप 3 से गुणा करोगे तो ये आपका हो जाएगा 5×15x और आपका हो जाएगा 3×2×6y और 10×3 कितना हो जाएगा 30, क्योंकि नीचे वाली समीकरण को आप 3 से गुणा कर रहे हो। क्यों, क्योंकि x के गुणांक बराबर हो जाएं। आप समीकरण 1 को 2 से माइनस करोगे
ठीक है, तो ये आपका x वाला जो है कैंसिल हो जाएगा, 25y से 6y जाएगा तो ये आपका बच जाएगा 19y, और 75 से आपका 30 जाएगा तो ये आपका बच जाएगा 45, यानी y की वैल्यू आपको मिल जाएगी 45/19। ठीक है, इस y का मान क्या करोगे, इस y का मान किसी भी समीकरण में रख दोगे तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। तो लिखोगे y का मान समीकरण एक में रखने पर, तो समीकरण एक है आपकी भाई 3x प्लस का 5y इक्वल टू कितना 15, तो y के स्थान पर वैल्यू पुट करोगे ये आपका हो जाएगा 3x प्लस 5 गुणे y की वैल्यू कितनी है 45/19 बराबर आपका हो जाएगा 15। तो ये आपका हो जाएगा 3x इक्वल टू, देखिए उधर लेकर जाएंगे 15 माइनस का 5 गुणे 45 और बटे में 19। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा 3x इक्वल टू 60/19, इसको इससे काटोगे तो ये आपको हो जाएगा 20, यानी x की वैल्यू आपको मिल जाएगी 20/19, यानी 20/19 आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। तो इंटरसेक्शन पॉइंट जो होगा वो आपका होगा x पर चला गया, तो x पर कितना आ रहा है 20/19, तो लिखेंगे 20/19, और y की वैल्यू कितनी आ रही है 45/19। इस प्रकार मैं क्या करूँगा, इंटरसेक्शन पॉइंट को प्राप्त कर लूँगा। ठीक है, आपको बिल्कुल ऐसे ही करना है, दोनों समीकरणों को हल करना है क्योंकि ये इन दोनों का प्रच्छेद बिंदु है, इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो हल करने पर आपको एक्स वाई की वैल्यू मिल जाएगी। तो इस तरीके से हमने इंटरसेक्शन पॉइंट प्राप्त कर लिया। अब इसको मैं यहाँ पर रख के दे रहा हूँ, ये चीज़ आपको पता है। ठीक है, अब इसके बाद आप क्या करोगे, आपको कोणीय बिंदु यहाँ पर मिल गए। कितने कोणीय बिंदु हैं आप देख सकते हो, 1 2 3 4, 4 कोणीय बिंदु हैं। इन कोणीय बिंदुओं पर हम क्या करेंगे, जेड की वैल्यू को प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे, एक टेबल बना के हम लिखेंगे ऐसे, देखिए यहां पर लिखेंगे हम क्या, कोणीय बिंदु, कोणीय बिंदु, और उसके बाद इस वाले कॉलम में लिखेंगे जेड इक्वल टू 5x+3y का मान। ठीक है, यानी जेड इक्वल टू 5x+3y में हम क्या करेंगे, इस समीकरण में x और y की वैल्यू पुट करेंगे जो भी हमारे कोणीय बिंदु होंगे। तो कोणीय बिंदु पहला है आपका 0,3, दूसरा है आपका मूल बिंदु 0,0, तीसरा है आपका 20/19, 45/19, और चौथा है आपका 2,0। चलिए यहाँ पर वैल्यू को आप पुट कीजिए, तो x के स्थान पर 0, y के स्थान पर 3, 3 3 9, z की वैल्यू आपकी 9 आ जाएगी। 0,0 पुट करोगे तो z की वैल्यू 0 आ जाएगी। 20/19 पुट करोगे, देखिए z इक्वल टू 5×20/19+3×45/19, इसको हर करोगे तो आपको मिल जाएगा, देखिए आपका हर सेम है, एक हर ले लोगे 19। ठीक है, 45 का 3 से गुणा करोगे 135 हो जाएगा, और 20×5 कितना होता है आपका 100, तो 100 में 135 जोड़ोगे तो ये आपको हो जाएगा 235/19। ठीक है, तो जेड की वैल्यू जो आ जाएगी वो 235/19 आ जाएगी। मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप हल कर सकते हो। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, आपको वैल्यू मिल जाएगी 235/19। ठीक है, अब आप क्या करोगे, इस पॉइंट पर निकालोगे तो x के स्थान पर 2 रखोगे, 5×2 10, जेड की वैल्यू हो जाएगी 10, और y के स्थान पर 0, तो उससे कोई मतलब नहीं। इस प्रकार आपने क्या किया, इन कोणीय बिंदुओं के लिए जेड की वैल्यू को प्राप्त कर लिया। आपसे क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि जेड इक्वल टू 5x+3y का अधिकतमीकरण ज्ञात कीजिए, यानी किस बिंदु पर जेड का मान अधिकतम है। तो यहाँ पर लिखोगे आंसर में कि इस प्रकार, या अतः लिख सकते हो, इस प्रकार आप देख रहे हो कि जो इन दोनों रेखाओं का इंटरसेक्शन पॉइंट है, यानी प्रच्छेद बिंदु है, उस पर जेड की वैल्यू जो है वो आपकी अधिकतम आ रही है। आप देख सकते हो यहाँ पर 9 आया, यहाँ पर 10 आया, 19 का पहाड़ा पढ़ोगे देखिए आप, तो इस यहाँ से आपको मिलेगा लगभग में वैल्यू क्या मिल सकती है, 19×1 ठीक है, बचा आपका 4 45 हो गया, 19×2 38 ठीक है, यानी ये आपका मिलेगा 12/7/19 आपको मिलेगा। ठीक है, तो 12/7/19, 9 और 10 में यही वैल्यू सबसे अधिक है, तो इसका मतलब इस इंटरसेक्शन पॉइंट पर क्या होगा, जेड का मान अधिकतम होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे इस प्रकार 20/19, 45/19 बिंदु पर जेड का मान, जेड इक्वल टू आप लिख सकते हो 5x+3y का मान क्या होगा भाई, अधिकतम होगा, अधिकतम होगा या है लिख सकते हो, आप देख सकते हो कि है। ठीक है, इस तरीके से आपको रैखिक प्रोग्रामन की समस्या को सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में आ चुका है, तो इसी टाइप के प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में रिपीट होते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर बढ़ते हैं इसी क्रम में अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर।
अब इसी क्रम में बढ़ते हैं अपनी इस क्लास के दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा प्रश्न मैंने आपके सामने नोट किया है, इसमें देख सकते हो बोला जा रहा है कि निम्न अवरोधों के अंतर्गत जेड स्क्वल टू एक्स प्लस वाई का न्यूनतमीकरण कीजिए। अभी तक हम अधिकतमीकरण कर रहे थे, अब हमें न्यूनतमीकरण करना है। आपको आशंका दी गई है 2x plus y greater than equal to 8x plus 2y greater than equal to 10, x greater than equal to 0, y greater than equal to 0। आपको ये आशंकाएं दी गई हैं, ठीक है। आपको क्या करना है, z equal to x plus y का न्यूनतमीकरण करना है। सबसे पहले इन आशंकाओं को हम समीकरण बनाएंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे माना समीकरण, पहली समीकरण हो जाएगी 2x plus y equal to 8, दूसरी हो जाएगी x plus 2y equal to 10, तीसरी हो जाएगी x इक्वल टू 0, चौथी हो जाएगी y इक्वल टू 0। इतना करने के बाद सबसे प्रथम काम हमारा ये होता है कि प्रत्येक समीकरण के लिए हमको टेबल तैयार करना है, ठीक है, इन दोनों को छोड़कर। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2x प्लस y इक्वल टू 8 के लिए, यहाँ पर हम टेबल बनाएंगे, ये आपकी हो गई टेबल, ये आपका हो जाएगा x, ये y हो जाएगा। यहाँ पर दो कॉलम बनाएंगे, देखिए x की वैल्यू हम 0 इस समीकरण में पुट करेंगे तो y की वैल्यू 8 मिल जाएगी, y की वैल्यू हम 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू हमें 4 मिल जाएगी, क्लियर। तथा जो दूसरी समीकरण दी गई है वो लिखेंगे, तथा x प्लस 2y इक्वल टू 10 के लिए क्या करेंगे भाई, टेबल बनाएंगे और टेबल से बिंदुओं को ज्ञात करेंगे, बिल्कुल इसी तरीके से। तो मैंने यहाँ पर टेबल बना ली, आप देख रहे हो एक्स वाई, एक्स के स्थान पर 0 पुट करेंगे तो वाई की वैल्यू में 5 मिल जाएगी, वाई के स्थान पर 0 पुट करेंगे तो एक्स की वैल्यू में 10 मिल जाएगी। इतनी बात आप सभी को क्लियर है। अब यहाँ से आपको दो बिंदु मिले, यहाँ से आपको दो बिंदु मिले, इनको एक्स अक्ष और वाई अक्ष पर प्रदर्शित करना है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर वाई अक्ष और एक्स अक्ष आपको ड्रा कर लेनी है। ये आपका मूल बिंदु जाएगा 0,0, ठीक है। ये आप, क्योंकि वाई अक्ष की धनात्मक दिशा हो जाएगी, एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा हो जाएगी, एक्स अक्ष की ऋणात्मक दिशा हो जाएगी, वाई अक्ष की ऋणात्मक दिशा हो जाएगी। अब आपको यहाँ पर देखना है इन पॉइंटों में मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, आपकी 8 है। और आप देख सकते हो यहाँ पर आपको 5 दिया जा रहा है, यहाँ पर 4 दिया जा रहा है, यहाँ पर 10 दिया जा रहा है, यहाँ पर 8 दिया जा रहा है। यहाँ अगर आपका 5 ना होता तब हम दो दो के अंतराल पर खाने बना सकते थे, लेकिन यहाँ पर 5 हो गया तो आपको क्या करना है, आपको 1, 2, 3 इस अंतराल पर खाने बनाने हैं। वैसे तो आप दो पर भी बना सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलो हम दो दो पर बना लेते हैं, ये आपका हो जाएगा 2, 4, 6, 8, 10, ठीक है। इन दोनों का जो मध्य बिंदु होगा वो उस तरीके से हम 5 को फाइंड कर लेंगे, यानी 5 जो होगा वो आपका, देखिए 2 हो गया, 4 हो गया, 4 और 6 के बीच में 5 हो जाएगा आपका, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ऊपर भी आप बना लीजिए 2, 4, 6, 8, 10, ठीक है। यहाँ पर 2 लिखिए, 4 लिखिए, 6 लिखिए, 8 लिखिए, 10 लिखिए, 2, 4, 6, 8, 10, इतना तो आप सभी लोग कर ही सकते हो। फिर आपको क्या करना है, पहली समीकरण के लिए आप बिंदु देखोगे 0,8 जो कि आपका यहाँ पर है, ये प्रदर्शित कर लीजिए, 4,0 जो कि आपका यहाँ पर है। आप इन दोनों बिंदुओं को क्या करोगे, पटरी से मिला दोगे। इस समीकरण का नेम क्या है, 2x plus y equal to 8, ठीक है। इस रेखा का जो समीकरण है वो मैंने लिख दिया। अब हम देखेंगे कि इस रेखा के द्वारा जो क्षेत्र है वो अंदर की ओर है कि बाहर की ओर है। इसके लिए क्या करेंगे, इस समीकरण में मूल बिंदु को प्रतिस्थापित करेंगे, यानी x की वैल्यू 0, y इक्वल टू 0 पुट करेंगे। तो लिखेंगे नाउ आसमिका, पहली कौन सी आसमिका दी गई है, 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 8 के लिए क्षेत्र है ना, के लिए क्षेत्र x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 रखने पर रख देंगे तो ये हो जाएगा 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 8। 0 कभी 8 से बड़ा नहीं हो सकता है, ये बात आपकी असत्य है। और ये बात आपकी असत्य है इसका मतलब जो मूल बिंदु होगा वो इस रेखा के क्षेत्र में शामिल नहीं होगा। तो जब ये मूल बिंदु इस रेखा के क्षेत्र में शामिल नहीं होगा तो इसका मतलब जो क्षेत्र होगा इस रेखा का वो आपका बाहर की ओर होगा, इसकी डायरेक्शन आपकी ऐसे हो जाएगी, क्लियर इतनी बात। फिर आते हैं दूसरी समीकरण पर। दूसरी समीकरण आपको दी गई है x प्लस 2y इक्वल टू 10। तो यहाँ पर जो बिंदु दिया गया 0,5 जो कि आपका यहाँ पर होगा, आप देख सकते हो 0,5, और यहाँ पर आपका 10,0 है तो 10,0 आपका यहाँ पर होगा। जो 5 होगा वो 4 और 6 के बीच में होगा। इस बिंदु को हम ऐसे मिला देंगे पटरी से, ये आपकी एक रेखा हो गई। इस रेखा का नेम क्या है आपका, x प्लस 2y इक्वल टू 10, यहाँ पर लिख लीजिए x प्लस 2y इक्वल टू 10। ये पॉइंट आपका है 0,5, क्लियर इतनी बात। अब देखिए
हम क्या करेंगे, इस रेखा के लिए क्षेत्र फाइंड करेंगे, जैसे मैंने इसके लिए फाइंड किया, तथा आसमिका जो दी गई है वो कौन सी दी गई है, x प्लस टू वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 10 के लिए क्षेत्र, के लिए क्षेत्र क्या करेंगे, x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 पुट करेंगे, ये पता लगाएंगे कि जो ओरिजिन पॉइंट है वो इस रेखा के क्षेत्र में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो आप देख रहे हो कि 0 कितना मिलेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 10। क्या 0 का भी 10 से बड़ा हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता, यानी ये बात आपकी असत्य है। और असत्य का मतलब जो ओरिजिन पॉइंट होगा वो इस रेखा के क्षेत्र में नहीं आएगा, यानी जो ये दूसरी रेखा है इसका क्षेत्र भी आपका बाहर की ओर होगा, ऐसे होगा। क्लियर है इतनी बात? तो इन दोनों रेखाओं के द्वारा जो उभयनिष्ठ क्षेत्र होगा, आप ध्यान से देखिए, वो आपका ये होगा, इतना क्षेत्र जो होगा वो आपका इन दोनों रेखाओं के द्वारा डार्क क्षेत्र होगा, यानी घिरा क्षेत्र होगा, गाढ़ा मैंने कर दिया यहाँ पर, आप देख सकते हो। ये क्षेत्र जो होगा इन दोनों रेखाओं के द्वारा उभयनिष्ठ क्षेत्र होगा। इस क्षेत्र के हम कोणीय बिंदु प्राप्त करेंगे, तो पहला बिंदु तो आपको पता है 0.8, दूसरा बिंदु आप देख सकते हो 10.0, और तीसरा बिंदु इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है, यानी इन दोनों समीकरणों को हल करने पर हमें जो बिंदु प्राप्त होगा वो यहाँ पर होगा। तो पहली रेखा आपको दी गई है 2x plus y is equal to 8, दूसरी दी गई है x plus 2y is equal to 10। यहाँ पर x के गुणांक बराबर करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये हो जाएगा 2x plus का 4y is equal to में 20। समीकरण 1 को 2 से माइनस कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा माइनस का 3y is equal to, देखिए यहाँ पर माइनस करेंगे माइनस का 12 हो जाएगा, 3 4 12, यानी y is equal to आपको 4 मिल जाएगा। अरे दोनों समीकरणों को हल कर लेना है, x और y की वैल्यू फाइंड कर लेनी, तो y की वैल्यू 4 आ गई है। तो पहली समीकरण आपकी दी गई थी 2x plus का y is equal to 8, इस समीकरण में रख देंगे या दूसरी समीकरण में भी रख सकते हो। तो y की वैल्यू 4 पुट करेंगे तो 2x plus का 4 is equal to 8, यानी x की वैल्यू आपको 2 मिल जाएगी, 4 उधर जाएगा, 8 से 4 जाएगा, 4 बचेगा, और 4 के अपान में 2 जाएगा, 2 से 4 को माइनस करेंगे 2 मिल जाएगा, यानी आपको जो यहाँ पर पॉइंट मिलेगा वो 2.4 मिल जाएगा, इंटरसेक्शन पॉइंट। इतना काम तो आप लोग कर ही सकते हो, इतनी जानकारी आप सभी लोगों को है, ठीक है। मैंने आज से ही आपके सामने कर दिया कि कैसे आपको बिंदु फाइंड करना है। तो ये 2.4 आपका इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया। तो कोणीय बिंदु आपके यहां पर 3 हुए, पहला 0.8, दूसरा हुआ 2.4, तीसरा हुआ 10.0। तो क्या करेंगे, यहां पर हम टेबल बनाएंगे किसके लिए भाई, जेड के न्यूनतम मान के लिए, वही पुराना काम, यहां पर लिखेंगे कोणीय बिंदु, है ना, यहाँ पर लिखेंगे जेड इक्वल टू एक्स प्लस वाई का मान, देखेंगे किस बिंदु पर मान न्यूनतम आ रहा है। तो पहला कोणीय बिंदु आपको कौन सा होगा, पहला कोणीय बिंदु आपका होगा 0.8, दूसरा आपका इसका इंटरसेक्शन पॉइंट हो जाएगा दोनों रेखाओं का 2.4, और तीसरा आपका हो जाएगा 10.0। यही 3 बिंदु होंगे, बाकी कोई बिंदु नहीं होगा, ठीक है, कि आप सारे बिंदु यहाँ से उठा के यहाँ पर रख दो, ये बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। जो कोणीय बिंदु हैं इस क्षेत्र के वही आपको लिखना है बस। तो 0.8 पर जेड का मान फाइंड करेंगे तो एक्स जेड की वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी, एक्स के स्थान पर 0, वाई के स्थान पर 8 मिल जाएगी। और जब 2.4 पर फाइंड करेंगे तो 2.4 आपका कितना हो जाएगा 6, और 10.0 पर फाइंड करेंगे तो आपको मिल जाएगा 10, वाई के स्थान पर 0। आप देख रहे हो कि 2.4 बिंदु पर जो जेड का मान है वो आपका न्यूनतम है। तो यहाँ पर आप लिखोगे कि इस प्रकार बिंदु 2.4 पर जेड इक्वल टू एक्स प्लस वाई का मान क्या भाई, न्यूनतम है। बस आपको यही चीज यहां पर फाइंड करनी थी कि जेड का मान किस बिंदु पर न्यूनतम है, क्योंकि यहां पर बोला था न्यूनतमीकरण कीजिए। तो ये आपका हो गया न्यूनतमीकरण, ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। आई होप आप सभी लोगों को ये बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। अब चलिए इस क्लास के लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो अब हमने आपके सामने इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन भी नोट कर दिया है, आप देख सकते हो, ठीक है। अब इस क्वेश्चन के बाद आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा कि रैखिक प्रोग्रामन की समस्या को हमें कैसे सॉल्व करना है। एक क्लास में रैखिक प्रोग्रामन की और लूँगा, जिसमें मैं आपको लैंग्वेज वाले प्रश्नों को सॉल्व करना बताऊँगा। उसके बाद इस चैप्टर की क्लासें आपकी क्लोज हो जाएंगी। देखिए आपके बोर्ड एग्जाम बहुत नज़दीक हैं, तो मैं आप लोगों को सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। आप अगर इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेते हो तो आपका बोर्ड एग्जाम अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब तो देखिए यहाँ पर मैंने आपके सामने तीसरा क्वेश्चन नोट किया है, आप यहाँ पर देखिए कितना ही आसान प्रश्न है, बहुत ही आसान प्रश्न है, बिल्कुल वही मेथड अपनाएंगे। लिखा है कि निम्न अवरोधों के अंतर्गत जेड इक्वल टू 3x प्लस 5y का न्यूनतमीकरण कीजिए। क्या करना है, न्यूनतमीकरण करना है। आपको आंसर आसमिका दी गई है x प्लस 3y ग्रेटर देन इक्वल टू 3, x प्लस
वाई ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स कमा वाई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। क्या करना है आपको, सबसे पहले इन असमीकाओं को समीकरण बनाना है, तो लिखना है माना समीकरण x प्लस थ्री वाई इक्वल टू थ्री, दूसरी हो जाएगी x प्लस वाई इक्वल टू टू, तीसरी आपकी हो जाएगी x इक्वल टू जीरो, चौथी हो जाएगी y इक्वल टू जीरो। आपको क्या करना है, x प्लस थ्री वाई इक्वल टू थ्री के लिए क्या करना है भाई, टेबल तैयार करनी है, यहाँ से बिंदु फाइंड करने हैं। तो मैंने यहाँ पर आपके सामने टेबल बना ली, आप देख रहे हो ये आपका हो जाएगा x, ये आपका हो जाएगा y। अब यहाँ पर क्या करेंगे, समीकरण में x के स्थान पर 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 1 मिल जाएगी, y के स्थान पर 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू 3 मिल जाएगी, तथा जो दूसरी समीकरण आपकी है वो आपकी है x प्लस वाई इक्वल टू टू के लिए क्या करेंगे, हम टेबल बनाएंगे। तो यहाँ पर हम टेबल बना लेते हैं, ये x हो जाएगा, ये y हो जाएगा। x के स्थान पर 0 पुट करेंगे y की वैल्यू 2 मिल जाएगी, y के स्थान पर 0 पुट करेंगे x की वैल्यू हमें 2 मिल जाएगी। यहाँ से भी आपको दो बिंदु मिल गए, इन बिंदुओं को हम x अक्ष और y अक्ष पर प्रदर्शित करेंगे। तो इसके लिए यहाँ पर हम y अक्ष खींचेंगे और हम खींचेंगे x अक्ष खींचेंगे, ठीक है। ये आपका ओरिजिन पॉइंट हो जाएगा 0, 0, ये y हो जाएगी, ये आपका x अक्ष हो जाएगा धनात्मक दिशा, ठीक है। यहाँ पर देख रहे हैं कि जो बिंदु दिए गए हैं वो आपका 0, 1 और 0, 3, 0, 2 और 2, 0, ये आपके बिंदु हैं। तो मैक्सिमम वैल्यू आपकी 3 है, तो 1, 2, 3 ऐसे आप खींच लीजिए, बस इतना ही काफ़ी, इतने में ही आपका ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। तो ये 1, 2, 3, 1, 2, 3, ओके। अब चलिए आते हैं पहले समीकरण पर, पहला पॉइंट है 0, 1 जो कि आपका यहाँ पर है 0, 1, दूसरा पॉइंट है 3, 0 जो कि आपका यहाँ पर है 3, 0। इन दोनों बिंदुओं को हम पटरी की सहायता से मिला देंगे और जो इस रेखा का समीकरण है x प्लस थ्री वाई इक्वल टू थ्री, तो यहाँ पर लिख देंगे x प्लस थ्री वाई इक्वल टू थ्री, ओके। अब हम ये चेक करेंगे कि ये जो आपकी असमीका है या जो आपके समीकरण, इसका क्षेत्र अंदर की ओर होगा कि बाहर की ओर होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे नाउ असमीका कौन सी है आपकी, x प्लस थ्री वाई ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री के लिए क्षेत्र, के लिए क्षेत्र x इक्वल टू जीरो, y इक्वल टू जीरो रखने पर आप देख रहे हैं कि जीरो बड़ा है बराबर है 3 के। क्या ये बात सत्य है, कभी भी 0 3 से बड़ा नहीं हो सकता है, तो ये बात आपकी क्या है भाई, असत्य है। असत्य है तो इसका मतलब इस रेखा के द्वारा जो क्षेत्र होगा उसकी दिशा आपकी बाहर की ओर होगी, ओके। फिर क्या करेंगे हम, जो आपकी दूसरी समीकरण दी गई है उससे आपको कौन कौन से बिंदु प्राप्त हुए, 0, 2 जो कि आपका यहाँ पर आप देख रहे हो 0, 2 और उसके बाद 2, 0 जो कि आपका यहाँ पर है 2, 0। इन दोनों बिंदुओं को हम पटरी की सहायता से मिला लेंगे, इसका समीकरण आपका है x प्लस वाई इक्वल टू टू, ये लिख लेंगे x प्लस वाई इक्वल टू टू। क्षेत्र ज्ञात करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे तथा असमीका x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू टू के लिए क्षेत्र, के लिए क्षेत्र। तो हम क्या करेंगे, x इक्वल टू जीरो, y इक्वल टू जीरो क्या करेंगे, रखेंगे इस असमीका में, तो हमें मिल जाएगा 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 2। इसका मतलब ये है कि 0 जो है वो 2 से बड़ा है, और ऐसा कभी हो नहीं सकता कि 0 2 से बड़ा हो, यानी ये चीज़ आपकी असत्य है। और असत्य होने का मतलब जो इस रेखा के द्वारा क्षेत्र होगा उसकी डायरेक्शन जो होगी वो आपकी बाहर की ओर होगी। तो इन दोनों रेखाओं के द्वारा जो उभयनिष्ठ क्षेत्र होगा वो आपका ये होगा, जैसे अभी इसके पहले वाला क्वेश्चन था। ध्यान से देखिएगा, ये आपका क्षेत्र होगा, अंदर नहीं लाना है, ठीक है, ये आपका क्षेत्र होगा, ये कोणीय बिंदु इसके देखेंगे तो आपका है 0, 2, दूसरा है 3, 0 और तीसरा इसका इंटरसेक्शन पॉइंट है इन दोनों रेखाओं का। तो इंटरसेक्शन पॉइंट आप निकाल सकते हो आराम से, देखिए पहली रेखा दी गई है x प्लस थ्री वाई इक्वल टू थ्री, दूसरी दी गई है x प्लस वाई इक्वल टू टू। क्या करोगे, समीकरण एक को 2 से माइनस कर दोगे तो ये आपका हो जाएगा 3y से y जाएगा 2y और 3 से 2 जाएगा, घटा रहे ना समीकरण एक को 2 से, तो ये 1 हो जाएगा, y इक्वल टू 1/2 मिल जाएगा, ठीक है। ये y के मान किसी भी किस समीकरण में रख देंगे हम, चलिए समीकरण 2 में रख देते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 2 है आपका, तो x y के स्थान पर 1/2 उधर लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा 2 माइनस 1/2, 2 से हाफ जाएगा तो ये आपका बचेगा
थ्री बाई टू, तो यहाँ पर लिख देंगे 3/2, यानी x की वैल्यू हमें मिली 3/2 और y की मिली 1/2। तो ये आपका हो गया इंटरसेक्शन पॉइंट। इस तरीके से आपको तीन कोनी बिंदु मिल गए। इन कोनी बिंदुओं पर हम क्या करेंगे, z की वैल्यू को फाइंड करेंगे। यहाँ पर उसके लिए क्या करेंगे, हम टेबल बना लेंगे। आप सभी को पता है ये हो जाएगा कोनी बिंदु और ये हो जाएगा z इक्वल टू 3x + 5y का मान। ठीक, पहला कोनी बिंदु आपका हो जाएगा 0, 2, दूसरा आपका हो जाएगा 3/2, 1/2, तीसरा आपका हो जाएगा 3, 0, क्योंकि इस क्षेत्र में तीन ही कोनी बिंदु आपके आ रहे हैं। तो 0, 2 पर वैल्यू फाइंड करेंगे तो जेड की वैल्यू देखिए 0 हो जाएगा, 2 ये आपका हो जाएगा 10। 3/2 रखेंगे तो जेड इक्वल टू हो जाएगा 3 × x के स्थान पर 3/2 और y के स्थान पर 1/2। हर सेम एक हल ले लेंगे, 3 × 3 = 9, 9 × 5 = 9 हो जाएगा 14, 14 का आधा 7 आ जाएगा आपका, यानी 7 आ जाएगा। ठीक है, इस बिंदु पर फाइंड करेंगे, यहाँ पर लिख लीजिए जेड इक्वल टू 7। 3, 0 पर यहाँ पर 3 पुट करेंगे, 3 × 9 वाई के स्थान पर 0, यानी जेड की वैल्यू हमें मिल जाएगी 9। हमें यहाँ पर न्यूनतमीकरण ज्ञात करना था। आप देख रहे हो कि न्यूनतम मान जो आ रहा है वो 3/2, 1/2 पर आ रहा है, यानी इन दोनों रेखाओं के प्रक्षेप बिंदु पर आ रहा है। तो यहाँ पर आंसर में लिखेंगे इस प्रकार न्यूनतम मान कितना है, 7 है, जो कि किस बिंदु पर है आपका, इन दोनों रेखाओं के प्रक्षेप बिंदु 3/2, 1/2 पर बिंदु पर है। बस यही आपके इस क्वेश्चन का हो जाएगा आंसर। अधिकतमीकरण पूछता तो अधिकतम मान वाला लिख देते बस। तो इस तरीके से आप लोगों को रैखिक प्रोग्रामन की समस्या को हल करना समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया है और आपके बोर्ड एग्जाम के नंबर आपको लग रहा है कि पक्के हो गए हैं, तो हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं। मुझे बहुत ज़्यादा प्रसन्नता होगी कि आपको मेरी बात समझ में आई है। ठीक है, तो अब आप लोगों को क्या करेंगे, हम नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के जो लैंग्वेज वाले प्रश्न हैं उनको बता देंगे और इस तरीके से आप लोगों का ये चैप्टर अच्छी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। बिल्कुल भी आप टेंशन मत लें, आप लोगों को पूरी तैयारी कराई जाएगी बोर्ड एग्जाम की, बिल्कुल भी चिंता लेने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। चलिए फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।